कल मैंने आपको बताया था ना, पहले खबरदार कर दिया था कि ये जो सीनियर्स हैं इन्होंने भी जूनियर्स वाला ही काम करना है, लेट इन्होंने भी करनी है। रीज़न भी मैंने बता दी थी कि किस वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने लेट करनी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो है आशा कि हम ये ज़ाहिर फॉलो तो उन्होंने वही करना है जो कौमी सतह पे हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है इतना प्राइड लेके तो जीतने की। तो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक की है। मैं वो क्लिप लगा देता हूँ जो मैंने कल बात की थी, बात वही है, वजह वही है, हारना इन्होंने था ही, ये दिस वॉज डन डील। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी सुपरस्टार्स हैं उनका अब मुकाबला होगा इंडिया के साथ, बड़ा ज़बरदस्त है वो। मैं तो पहले ही विश कर रहा था कि जो इंडिया की टीम है वो फाइनल में पहुंचे। शुरू में पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, ये जो सुपरस्टार्स की लीग हो रही है, लेकिन उसके बाद इनके बारे में से भी थोड़ी सी आवाज़ निकली है। खैर, इन्होंने सेमीफाइनल तो जीत लिया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और 90s के ये स्टार्स हैं या अर्ली 2000s के आप कह लें, अर्ली 2000s के हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं कि क्या ये करते हैं फ़ाइनल में। वैसे तो इन्होंने लिद ही करनी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का मानसिक मोराल है ऊपर गया हुआ, वो जिस साइड पे ऊपर गया हुआ है उस लिहाज से बनता तो यही है कि ये हार के ही आएंगे। फिर ये भी फैक्ट है कि जो इंडिया की टीम है वो पहले इतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन वो इनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, और अब वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया इसमें सेमीफाइनल में, जो कि इम्पॉसिबल से लग रहा था। लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो दिग्गज प्लेयर उनके हैं, वो हरा देंगे इनको इंडिया को, लेकिन इंडियन टीम जो है वो छा गई है, वो उन्होंने जीत ली है सेमीफाइनल। और पाकिस्तान ने तो काफ़ी जो सेमीफाइनल था वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, अब जो फाइनल है उसमें देखते हैं कि क्या करती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम वैसे हरा भी सकती है इंडिया की टीम को, जो कि मेरे ख्याल में एक अपसेट होगा, क्योंकि जो होता है ना क्रिकेट, अब चेंज हो गई है क्रिकेट, है अब माइंड्स की गेम, अब आप खेलते हैं उससे कि आपका जो जनरल एक आपका कौमी या एक आपका जो मुल्क का मोराल है वो किस तरह से जा रहा है। तो जो पाकिस्तान का मोराल है, जो हाल ही उन्होंने कर दिया है, हमारी इंटेलिजेंशिया इतनी बेवकूफ़ है, खोते हैं बगैरत, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की है उसकी, कुछ भी नहीं काम किया, नथिंग एट ऑल, लेकिन वो गवर्नमेंट की, उसकी पंजाब गवर्नमेंट की, और वो इतने वो मैं खोता ही कहूँगा, इतने बेवकूफ़ और इतने डम किस्म के हैं ना, कि इनकी इतनी इंटेलिजेंसी है कि ये उन्होंने कैंपेन की और सबको पता चल गया कि ये कैंपेन हुई है। वो जितने भी लोगों ने पेड कैंपेन किया, बारी बारी सारे आके माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हम लोगों ने पहले नहीं बताया कि ये पेड कैंपेन है। तो भाई आप लगा दें कि ये पेड कैंपेन है, ये गवर्नमेंट की ने अपनी मशहूरी के लिए करवाई है। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता है, कोई दुनिया का कंट्री नहीं इस तरह करता कि वो पेड कैंपेन चला रहा हो कि जब गवर्नमेंट की। यतीम याऊ किस्म के बंदे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में चाहे हुकूमत में, तो इस तरह की चवलें ये मारते हैं। तो उसी तरह से मानसिक संतुलन जो है, जो वो उसका है ना, कौम का जो मानसिक संतुलन तो नहीं कहना चाहिए, वैसे जो एक कौम जज्बा होता है, वो इतना वो चला गया हुआ है डाउन द गटर कि अब नामुमकिन है कि इसमें से कोई भी निकल सके। कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी कुछ भी है, वो मुझे लगता है कि मार खाएंगे ये, ऐसी के ज़माना याद रखे। तो वो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम जो है वो बड़ी आसानी से इनको, जो पाकिस्तानी सुपरस्टार्स हैं, इनको फेंटा लगा देगी। अगर ना लगाए तो फिर इंडिया का कोई हाल नहीं है, इंडिया के भी वो भी दिग्गज खिलाड़ी हैं। खैर, कोई इतना ज़्यादा वो भी वो नहीं है कि फिट हूँ या अपनी शेप में हूँ। जहाँ तक मैच की बात है, तो मैच में वही जो चवलें ये मारते होते हैं इन्होंने मारी हैं। जब ये शुरू में अच्छा स्टार्ट मिल गया था, तकरीबन 6 ओवर में 50 रन कर लिए थे, उसके बाद जब वो यूनुस खान तक बात पहुंची और उसकी विकेट गिरी है, इरफान पठान ने विकेट ले ली है उसकी, तो उसके बाद कोई तिल्लू में तेल नहीं रहा। मलक आके बैटिंग करनी शुरू की है और उसने एंकर करना शुरू कर दिया, वे सारे एंकर बन जाते हैं, और वो भी तकरीबन 12वें 13वें ओवर में जाके, और बड़ी वो स्लो बैटिंग उसके बाद की है, और अफरीदी और सोहेल तनवीर को इनाफ ओवर ही नहीं मिल सके स्कोर बनाने के लिए।
वो जो भी इन्होंने स्कोर बनाया है वो 158 या 159, वो फिर इंडिया ने जाहिर है फांडा लगा के पूरा कर लिए। ये शर्जील खान का भी कोई अजीब हिसाब है कि एक ही फील्डर अगर बाहर है तो उसी को कैच देना है, उधर ही वो आउट होता था पहले जब ये खेलता होता था अपने कैरियर के दौरान भी जब पाकिस्तान के लिए खेलता था, अब ये लेजेंड्स में भी आके इसी तरह की चपड़े मार रहा है। तो कोई नहीं, हाल जिस तरह के हमारे दूसरे कौमी टीम है इसी तरह के लेजेंड्स हैं। आखिर में वो रन इतने ज़्यादा थे ही नहीं कि वो डिफेंड कर सकते, तो ऑफ कोर्स वो बना लिए उन्होंने। हमारे जो अभी अभी मिनिस्टर फारूक हुए हैं अपना वहाब रियाज साहब, उन्होंने सही वही गंदी बॉलिंग जो वो करते होते थे अपने खेलने के दिनों के दौरान वही की है। जब आपको वो 8 बालों पे 8 रन चाहिए होते हैं या 8 बालों पे 9 रन चाहिए होते हैं, तो उसके बाद आपको ये चाहिए होता है कि आपको थोड़ी 2-3 बालें बीट करवाएं। उसकी बजाय उसने क्या किया है कि उसने वाइड फेंकनी शुरू कर दी, तो जो रिज़ल्ट मिलना था वही मिला। इंडिया की टीम विक्टोरियस विद इरफान पठान स्कोरिंग द विनिंग रन्स, जो कि वो जाहिर है ओवर एक्टिंग वो काफ़ी ज़्यादा करता है। इंडिया की जो रेगुलर टीम है उसको जो ओपनर मिला है जयसवाल, वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं ना कंप्लीट ओपनर्स हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है कि इतना अच्छा वो खेल रहा है। अभी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने जीत लिए हैं, 3-1 तो हो गया, 4-1 भी हो जाएगा। बहुत अच्छी उनकी जा रही है जो टीम है, यंग टीम, युवा टीम, वो काफ़ी अच्छी टीम जा रही है। चलें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।